नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रामचरण के बारे में। दोस्तों आप सभी तो साउथ सुपरस्टार रामचरण को तो जरूर जानते होंगे, जिनका स्टाइल और एक्शन दिल में खलबली मचा देती है और जिनकी मूवीज रिलीज से पहले ही सुपरहिट हो जाती है। आपको बता दें कि दोस्तों साउथ इंडस्ट्री में काम करने वाले ये एक ऐसा सुपरस्टार है जिनका एक मूवी का बेस बॉलीवुड की किसी मूवी की बजट से भी ज़्यादा होता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी रामचरण को बॉलीवुड और टॉलीवुड से भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। आप सभी तो रामचरण के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आप सभी को रामचरण के बारे में ऐसी कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी रामचरण के बारे में पूरी डिटेल ही जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों रामचरण साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की बेटे हैं और इनका जन्म 27 मार्च 1985 को तमिलनाडु में हुआ था। इनकी मां का नाम सुलेखा है और रामचरण साउथ की लेजेंडरी एक्टर अनुराम लिंगे की ग्रैंडसन भी हैं। और इनके अलावा रामचरण की दो बहनें भी हैं जिनका नाम सुरेखा और शैजा है। नंबर 2, आपको बता दें कि दोस्तों साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन रामचरण की कजन ब्रदर्स हैं। सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, अल्लू सुरेश, साई धर्म तेज और वरुण तेज भी रामचरण की कजन ब्रदर्स हैं। और इनके अलावा पावर स्टार पवन कल्याण रामचरण की चाचा हैं, जो कि एक एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और एक पॉलिटिशियन भी हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या आप रामचरण की निकनेम के बारे में जानते हैं क्या? रामचरण की निकनेम चेरी है। रामचरण की सभी फैमिली मेंबर्स रामचरण को चेरी कहकर ही बुलाते हैं। नंबर 4, रामचरण अपने स्कूलिंग की पढ़ाई पद्मा सह्याद्री बाल भवन स्कूल ऑफ चेन्नई और हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पूरी किए हैं। इसके बाद रामचरण हैदराबाद के बेगमपेटा एसटी मैरी कॉलेज से बीकॉम के लिए एडमिशन लिए थे, लेकिन बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर रामचरण एक्टिंग सीखने के लिए चले गए थे। नंबर 5, आपको बता दें कि दोस्तों साउथ की और एक सुपरस्टार राणा दग्गुबाति रामचरण की क्लासमेट हैं। ये दोनों 9th क्लास से एक साथ पढ़ते आए हैं। नंबर 6, दोस्तों आप सभी तो रामचरण की रंगस्थला मूवी तो जरूर देखे होंगे जिसमें वो एक ब्लेजर की रूप में नजर आते हैं। रामचरण ऐसी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ उन्होंने कभी भी गाँव नहीं देखा था। गाँव में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं, इसके बारे में रामचरण को कोई भी नॉलेज नहीं थी। और इसके बाद भी रामचरण रंगस्थला मूवी में एक ब्लेजर के किरदार को बखूबी निभाया है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। नंबर 7, रामचरण बॉलीवुड डेब्यू मूवी जंजीर से किए थे जिसके लिए काफी चर्चा भी हुई थी। इस मूवी में रामचरण के साथ प्रियंका चोपड़ा, संजय दत्त और प्रकाश राज भी नजर आए थे, मगर यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस मूवी का तेलुगु वर्जन जिसका नाम तूफान है और इस मूवी में एक सॉन्ग मुंबई का हीरो रामचरण खुद ही गाए हैं। नंबर 8, 2016 में आई रामचरण की सुपरहिट मूवी ध्रुवा तमिल मूवी तनई उर्वन की रीमेक है। ध्रुवा मूवी का हिंदी वर्जन तो आप सबने जरूर देखे होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों इसी डब्ड हिंदी वर्जन में रामचरण की वॉइस को अजय देवगन ने डब किया है। आपको इस मूवी में अजय देवगन की वॉइस और रामचरण की एक्टिंग कॉम्बो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9, रामचरण अपनी बेसिक एक्टिंग की ट्रेनिंग मुंबई के किशोर नबी कपूर की फेमस एक्टिंग स्कूल से किए हैं। आपको बता दें कि दोस्तों इसी स्कूल से ही ऋतिक रोशन, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा भी एक्टिंग की ट्रेनिंग लिए थे। नंबर 10, मुंबई में ट्रेनिंग कोर्स खत्म होने के बाद रामचरण लंदन चले गए थे। लंदन जाकर रामचरण कई सारे थिएटर्स क्लास को ज्वाइन किए थे। लंदन में बहुत से कोर्स करने के बाद फुल्ली ट्रेंड होकर इंडिया लौटे थे। नंबर 11, रामचरण अपनी डेब्यू एक्शन फिल्म चिरुदा से 2007 में किए हैं। ये रामचरण की फर्स्ट मूवी है। इस मूवी की प्रमोशन चिरंजीवी पवन कल्याण के साथ साथ अल्लू अर्जुन भी जोर शोर से किए थे। हालांकि ये मूवी अपनी ओपनिंग की कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी कलेक्शन किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे डाउन होते चला गया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही है। नंबर 12, रामचरण को फिल्म मगधीरा के वजह से बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और इसी मूवी की वजह से ही रामचरण साउथ इंडस्ट्री में एक जाने माने और पॉपुलर एक्टर बन गए थे। यह मूवी उस टाइम पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन किया था और यह मूवी उस टाइम पर तेलुगु इंडस्ट्री की 2013 तक की हाइस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु मूवी थी। और आपको बता दें कि दोस्तों इसी मूवी का डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि एस एस रजमौली है। नंबर 13, मगधीरा के बाद रामचरण
निर्माण कई सारे मूवीज किया है। राम चरण की टॉप मूवीज के बारे में बात करें तो यवड़ू, ध्रुवा, रच्चा, रंगस्थलम, नायक, ब्रूसली जैसे मूवीज से राम चरण अपने आप को एक लीडिंग तेलुगु फिल्म एक्टर में एस्टेब्लिश किया है। और आपको राम चरण की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 14, काफी टाइम तक एक दूसरे को डेट करने के बाद राम चरण अपनी गर्लफ्रेंड उपासना कामिनेनी से 14 जून 2012 को शादी किए थे। आपको बता दें कि दोस्तों उपासना कामिनेनी और रामचरण क्लासमेट्स हैं। ये दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ ही पढ़ाई किए हैं। उपासना कामिनेनी जो कि एक इंडियन एंटरप्रेन्योर, वाइस चेयरपर्सन ऑफ अपोलो लाइफ एंड चीफ एडिटर ऑफ बी पॉजिटिव मैगजीन का है। नंबर 15, रामचरण की खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी है, जिसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। आपको बता दें कि दोस्तों इसी प्रोडक्शन कंपनी का फर्स्ट मूवी चिरंजीवी की कैदी नंबर 150 है, जिसे 50 करोड़ की बजट के अंदर बनाया गया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन की थी। और इसी मूवी के बाद इसी प्रोडक्शन कंपनी का दूसरी मूवी सैयारा नरसिम्हा रेड्डी और तीसरी मूवी आचार्य है। नंबर 16, रामचरण एक एक्टर के अलावा एक बिजनेसमैन भी है। रामचरण की खुद की एक पोलो टीम भी है जिसका नाम हैदराबाद पोलो राइडिंग क्लब है। और इसी के साथ रामचरण ट्रूजेट नाम का एक एयरलाइंस कंपनी का मालिक भी है। और इसके अलावा रामचरण ऑब्स्टेकल रनिंग सीरीज यानी डेविल सर्किट का भी मालिक है। नंबर 17, रामचरण 185 मिलियन डॉलर यानी कि करीबन 1387 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मालिक है। रामचरण की नेटवर्थ 1250 करोड़ रुपए है और वो हैदराबाद की जुबली हिल्स एरिया में एक आलीशान बंगलो में रहते हैं। रामचरण की इसी बंगलो का ही कीमत करीबन 40 करोड़ रुपए है। हैदराबाद के अलावा रामचरण का एक आलीशान घर मुंबई में भी है और इस घर को उन्होंने 2012 में खरीदा था। ये एक फ्लैट है जो कि मुंबई के बांद्रा इलाका में है। नंबर 18, रामचरण मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आते हैं। 26 मई 2021 को रामचरण अपनी फादर चिरंजीवी के साथ चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ऑक्सीजन बैंक लॉन्च किए थे। और ये ऑक्सीजन बैंक आंध्र प्रदेश की कई सारी हॉस्पिटल में ओपन किया गया था। नंबर 19, रामचरण को अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए कई सारे अवार्ड्स मिल चुकी है जिसमें 3 फिल्मफेयर अवार्ड और 2 नंदी अवार्ड भी शामिल है। नंबर 20, दोस्तों आप सभी तो रामचरण की मगधीरा मूवी तो जरूर देखे होंगे जिसे जापान में जापानीज लैंग्वेज में रिलीज किया गया था और मगधीरा मूवी को जापान में भी काफ़ी पसंद किया गया था और इसकी वजह से जापान में भी रामचरण की काफ़ी पॉपुलरिटी है। नंबर 21, रामचरण की फेवरेट बॉलीवुड एक्टर बॉलीवुड की वाइजान सलमान खान है। नंबर 22, रामचरण साउथ की एक पॉपुलर एंड डिमांडिंग एक्टर हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म RC-15 के लिए रामचरण 50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। साथ ही दोस्तों SS रजमौली की मूवी RRR में काम करने के लिए रामचरण 45 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। नंबर 23, रामचरण की फेवरेट हॉबीज में से उन्हें सबसे ज्यादा हॉर्स राइडिंग पसंद है। तो दोस्तों ये था एक्शन हीरो रामचरण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप सभी को रामचरण के बारे में इतनी सारी बातें जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।